मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम ऑनलाइन लेक्चर भी देते हैं पर्सनली तौर पर रीजनेबल फीस के ऊपर, वो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं जिन्होंने लेक्चर लेने हों। पूरे डिटेल के साथ आपकी बुक के मुताबिक सारा समझाएंगे। ये एक कंसेप्ट है, स्लाइड्स हैं आपकी, और इसको हम समझाएंगे, इसको भी देख के आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, चलें आए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MGT 501 की तरफ चलते हैं, और लेक्चर नंबर 23 है इसका। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 पढ़ना हमने और इसको हमने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, चलें जी, पहले आता है इसमें देखना है कि हमने स्टाफिंग क्या होता है। हमारा स्टाफिंग होता क्या है, मतलब एक चीज़, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टाफ होता है, HRM फंक्शन, उस HR फंक्शन में होता क्या है। अब देखिए दो किस्म के होते हैं, मतलब पहले आता है एम्प्लॉय एंड लेबर्स एंड रिलेशंस, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग दो किस्म के होते हैं, मतलब एक तो होते हैं मतलब एम्प्लॉय और लेबर रिलेशनशिप, जिससे आप लेबर और एम्प्लॉय और लेबर से रिलेशनशिप रखते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन क्या होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है आपका। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी आपके मामलात हैं वो ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट है। आपने कोई बंदे को हायर करना है किसी को, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, उसमें लेबर एंड जो लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इसमें सबसे ज़्यादा चाहिए जो कि जारी बात है, कोई बंदा काम कर रहा है आपका, लेबर कर रहा है या आपका एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसके लिए आपको सेफ्टी देना ज़रूरी होती है। कोई आपने ये नहीं है कि उस लेबर को कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो बंदा एवं मर जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि किसी भी आपने कंपनी में काम करना है तो आपने उसके हिसाब से सेफ्टी एम्प्लॉय को या लेबर को आपने प्रोवाइडिंग करनी है। उसके बाद आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो कंपनसेशन एंड बेनिफिट, वो कंपनसेशन पे ऊपर जाता है और बेनिफिट के ऊपर जाता है। मतलब आपको क्या बेनिफिट है, आप अगर HMR फंक्शन इसको प्रेजेंट करता है या इसको आपको ये अगर इसको आगे लेके चलता है तो उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा आपकी स्पेसिफिक सर्विसेज में क्या आ जाते हैं। सबसे पहले आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, और उसमें ऑपरेटिंग मैनेजर आता है, ये एडवाइस करता है ऑपरेटिंग आपकी मतलब ऑपरेटिंग मैनेजर के साथ। फिर वो उसके साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजर, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब आपके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, सही है, ह्यूमन रिसोर्स एडवाइस करता है मैनेजर के साथ। ठीक है, फिर ये दोनों मतलब जब ये कोऑर्डिनेशन करता है किससे, ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ। तो ये एक स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो आप एक प्रोवाइड करता है एक HMR। ठीक है, आगे देखिएगा मैक्सिमाइजिंग लर्निंग। मैक्सिमाइजिंग लर्निंग क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है कि सिलेक्टिंग दी स्टेज फॉर दी लर्निंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई आप लर्निंग करना चाह रहे हो, पहले उसकी स्टेज डिफाइन करें आप कि किस हद तक आपने सीखना है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है प्रोवाइडिंग क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शन, मतलब आपने जो जिसके ऊपर आपने सिखाना है या सीखना है उसको आपने कम्प्लीटली टास्क क्लियर करना है आपके। आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा रहा हूँ MGT 501 23 का, अब इसमें मैं आपको वो MGT 301 का पढ़ाने लग जाऊँ तो ये एक क्लियरिटी नहीं होगी। अब मैं आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ, आपका टास्क है ये MGT 501, मैं आपका इसका लेक्चर आज दूंगा, तो आपकी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए टास्क के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मॉडल अप्रिशिएटेड बिहेवियर, आपका जो जिस मॉडल के जरिए आप जा रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसके बिहेवियर के मुताबिक। ठीक है, आप इसको ही करके आप अच्छे तरीके से आप अपने पास कर सकते हैं और बुक से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इंक्रीजिंग लर्निंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के दौरान कैसे लर्निंग कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कहते हैं प्रोवाइडिंग फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब आपका दिमाग जो होता है एक्टिव होना चाहिए पार्टिसिपेशन में ऊपर, ताकि ज़्यादा आप ट्रेनिंग के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें।
ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आप सो रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, एक्टिव होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद होता है कि मैचिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स टू द ट्रेनिंग्स सेल्फ एफिशिएंसी एफिशिएंसी, ठीक है, मैच होनी चाहिए टेक्निक्स आपकी ट्रेनिंग्स और ट्रेनर को ट्रेनिंग के साथ, मतलब आपकी जो आप जिस मैचिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स टू ट्रेनिंग सेल्फ एफिशिएंसी, पता होना चाहिए जो बंदा सीख रहा है वो क्या सीख रहा है, सेल्फ मेंटेनिंग होनी, मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंश्योर स्पेसिफिक टाइमली आपका होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल फीडबैक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है चाहिए कि आपका जो भी आपका काम है एक स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर टाइमली, उसके ऊपर फीडबैक होना चाहिए आपका, ठीक है, सही है। आपने उसके बाद में क्या सीखा, किस तरह सिखाया आपने, ठीक है, उसके बाद ऊपर फीड होना चाहिए कि यार मैंने कितनी लर्निंग की है कितनी लर्निंग नहीं की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रेनिज टू दी प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर, मतलब आप जब उसको लर्निंग करा देते हो, ठीक है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, कोई काम दो कि ये करो, हाँ ये काम, ठीक है, अपने न्यू बिहेवियर उसकी प्रैक्टिस के न्यू बिहेवियर के साथ, ठीक है, तभी तो पता चलेगा उसने कितना सीखा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मेंटेनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब आप जब परफॉर्मेंस मेंटेन कर लेते हो उसको ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि डेवलपिंग डेवलप करें लर्निंग पॉइंट टू असिस्ट नॉलेज रिटेंशन, जो आपके 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 माइंड में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं या आपके नॉलेज में रिटेंशन एक चीज़ कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट को डेवलप करें आप, ठीक है, सही, उससे पूछ सकते हैं, उसको असिस्ट करें, ठीक है, सही, उसको नॉलेज को अपने दिमाग में बिठाएं, सही, मेंटेन करें। उसके बाद है सेट स्पेसिफिक गोल्स, आप अपने दिमाग में स्पेसिफिक गोल रखें आप अपने दिमाग में ताकि आप उसको अचीव कर सकूं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई कर सके अप्रोप्रिएट री इन्फोर्स, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी आपके आइडेंटिफाई कर सके अपने टारगेट को, गोल को इन्फोर्स कर सके उसको, ठीक है, उसको अचीव कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा टीच ट्रेनिंग्स सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी जो इम्प्लाई ट्रेनिंग्स होते हैं, जो बंदा सीखते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट हैं, हम दूसरे स्टूडेंट का कंसेप्ट हो सही होना वो उसको बता देता कि यार ये नहीं, ऐसी चीज़ है ऐसे करनी है, ऐसी चीज़ है ऐसे करनी है, ठीक है, तो ये इन चीज़ में आ जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा फॉलोइंग अप ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान फॉलोइंग क्या चीज़ करनी चाहिए, आपकी एवोल्यूट इफेक्टिवनेस है कि वो इफेक्टिवनेस को देखे कितने इफेक्टिवनेस तरीके से वो सीख रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मेक रिविजन आर नीडेड, मतलब आपको रिविजन करने की ज़रूरत है कि नहीं करने, ठीक है, आपको अगर सर एक मतलब दोबारा बता दें, ठीक है, एक मतलब एक दोबारा बता, तो वो आपकी रिविजन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पूरी ट्रेनिंग दी होती है उसमें जो अहम अहम पॉइंट है वो आपको डिस्कस कर लें तो उसकी रिविजन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लर्निंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल होती है पार्टिसिपेशन, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है, जारी बात है, लर्निंग प्रिंसिपल में आपकी पार्टिसिपेशन होगी तो आप लर्न कर सकोगे ना। रिपीटेशन, आपकी रिपीटेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, किस रिपीटेशन के मुताबिक आप सीख रहे हैं, आपका माइंड का है, ठीक है, उस हिसाब से आप, जारी बात है, रिपीटेशन के मतलब होता है कि आपकी कंपनी की भी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है कि किस तरह से आप सिखा रहे हैं। रेलिवेंस, मतलब रेलिवेंस का मतलब रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब आपकी जिस लर्निंग के मुताबिक आप सिखा रहे हैं क्या वो लर्निंग के मुताबिक रेलिवेंट टॉपिक है कि नहीं है, ये नहीं है कि आप MGT 501 पढ़ा दे टॉपिक आपका MGT 301 का है, तो ये रेलिवेंस नहीं है, रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर्स, मतलब आप अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है, ये नहीं है कि उस लर्निंग का क्या फ़ायदा जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़र कर सको। उसके बाद आपका फीडबैक आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं पर्पोज ऑफ दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप कैसे कर सकते हैं ओरिएंट न्यू एम्प्लॉइज, आप और न्यू एम्प्लॉइज को ओरिएंट करें, ठीक है, सी प्रिपरेशन फॉर द प्रमोशन, प्रमोशन के लिए आप प्रिपेयर रहें, सेटिस्फाई पर्सनल ग्रोथ नीडेड, आपकी पर्सनल ग्रोथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। रिड्यूस लर्निंग टाइम, आपका ज़्यादा ना लगाएं और इस लर्निंग टाइम के ऊपर टाइम कम रखें आपका, ठीक है। टू कॉप विद दी चेंज, आप चेंज करते रहें तो कॉप को, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। अपडेट एम्प्लाइज स्किल्स, अपनी एम्प्लाइज की स्किल्स को अपडेट करते हैं, देखते रहें कि ये इसकी स्किल्स क्या हैं। अवॉइड मैनेजरियल ऑब्जर्वेंस, मतलब आपकी मैनेजरियल जो ऑब्जर्वेंस होती हैं, जो आपकी नुकसान होते हैं ऑब्जर्वेंस में आ जाते हैं, ठीक है, वो उसको अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा ट्रेनिंग के दौरान। सॉल्व ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में।
उसके बाद देखिएगा कि आपका क्या आता है सिलेक्टिंग ट्रेनिंग एनरोलमेंट प्रोग्राम के, ऐसे कैसे सिलेक्ट करना है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सबसे पहले बात है कि कोई भी आपने ट्रेनिंग देनी है अपनी पाई को, तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब आपको कॉस्ट उतनी बेयर करो जितनी आपकी कर सकते हो। डिजायर प्रोग्राम कंटेक्ट, जिस प्रोग्राम का है उसको उस प्रोग्राम के मुताबिक ही कंटेक्ट बनाओ। लर्निंग प्रिंसिपल, आपको लर्निंग प्रिंसिपल पीछे पढ़ा हुआ पता होना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दी फैसिलिटीज, मतलब आपकी फैसिलिटीज के ऊपर अप्रोप्रिएटनेस किस तरह की है, आप किस तरह उसके ऊपर अप्रोप्रिएशन दे सकते हो। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज, अगर आपने ट्रेनिंग्स ट्रेनी ट्रेनी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस किस तरह की है और उसके अंदर कैपेबिलिटीज कितनी है, वो कितनी हद तक सीख सकता है, ठीक है। ट्रेनर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज, और ट्रेनर ट्रेनर जो ट्रेनर दे रहा है, जैसे वो लड़की है एक, वो ट्रेनर ट्रेनर है, और जो आदमी है ठीक है वो देख रहे हैं, वो ट्रेनी है, ठीक है। अब ट्रेनर की ये परफॉर्मेंस भी देखनी है, कैपेबिलिटीज देखे वो कितनी हद तक सिखा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा ट्रेनिंग्स वर्सेस डेवलपमेंट में, देखिएगा ट्रेनिंग्स आ जाती हैं करंट जॉब में और डेवलपमेंट आ जाती है फ्यूचर जॉब में, ठीक है। कि आपकी ट्रेनिंग है करंट जॉब के मामले में आ जाती है, और डेवलपमेंट जितनी जितनी हो रही है डेवलपमेंट ट्रेनिंग में और आपकी फ्यूचर जॉब में आ जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफाइन एज ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, कि आपका ये लर्निंग एक्सपीरियंस है कंडक्ट करता है इन डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब पक्का, जिसे कंफर्म होता है, डेफिनेट टाइम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड को आपका 2 मंथ का पीरियड है तो 2 मंथ ही होने चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं होता, इन इनडेफिनेट नहीं होता। इनडेफिनेट का मतलब टाइम का पता ही ना हो, डेफिनेट टाइम का मतलब जिस टाइम का आपको पता हो जाए, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ होता है। टू इंक्रीज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्प्रूविंग जॉब, ताकि आपकी पॉसिबिलिटी हो जाए इम्प्रूविंग जॉब की परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सके और आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके, ठीक है। आगे आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपकी एचआरएम डेवलपमेंट आ जाता है, और आपकी ट्रेनिंग पहला आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, एक तीसरा आता है कैरियर डेवलपमेंट। सारी बात है, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सही होगी तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सही होगी, ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी कैरियर डेवलपमेंट सही होगी, ठीक है। आगे आ जाता है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक। कौन सी है? ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सही है। उसमें देखिएगा ट्रेनिंग फॉर द प्रेजेंट प्रेजेंट एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर डेवलपिंग एंड टू लीड, तो सारी बार ट्रेनिंग आपकी होती है जो प्रेजेंट होती है, एजुकेटेड एजुकेटेड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा होती है एजुकेटिंग के लिए, और डेवलपिंग टू लीड, और डेवलप जो करते हैं उसको लीड ले जाती है आगे की तरफ, जैसे आपका फ्यूचर का आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए डेवलपिंग इज अ सक्सेसफुली प्लानिंग प्रोग्राम, आप एक डेवलपिंग करते हो जिस चीज़ के, उस चीज़ को अपने आप डेवलप करते हो ट्रेनिंग के मुताबिक, उस चीज़ को अपने अंदर लेके आते हो, तो वो एक प्लानिंग के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसमें बाद देखिएगा लाइन मैनेजर एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें देखिएगा क्या होता है कि प्रोवाइडिंग इम्प्लाइज ओरिटेशन ट्रेनिंग, मतलब आप इम्प्लाई को ओरिटेशन ट्रेनिंग दे, फॉर एग्जाम्पल आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया था, आपकी ओरिटेशन क्लास हुई थी, याद है, ठीक है। उसमें इम्प्लाई को क्या सिखाया गया था कि आपको एलएमएस कैसे चलाना है, एलएमएस होता क्या है, ठीक है, तो वो इम्प्लॉयड ओरिटेशन, इम्प्लाई को ओरिटेशन ट्रेनिंग दे, ठीक है। एसेस ट्रेनिंग नीड्स एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजी, आपकी ट्रेनिंग को असेस बनाया जाए, उसकी ज़रूरत है तो उसको असेस बनाए और उस प्लान को डेवलपमेंट करो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है, उसके अंदर बेहतरी से बेहतरी लानी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोवाइडिंग द जॉब ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, इंश्योर ट्रांसफर ट्रेनिंग, आप क्या ट्रांसफर इंश्योर कर सकते हो कि आप ट्रेनिंग ट्रांसफर कर सकते हो और नॉलेज लर्निंग ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। उसमें देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोवाइडिंग अप्लाई रोटेशन ट्रेनिंग सही आ जाता है, रोटेशन ट्रेनिंग आप करें, कंट्रीब्यूट करें टू मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए उसके अंदर कि क्या क्या सिखा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर आपकी मैनेजमेंट भी आपके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, कंट्रीब्यूट होनी चाहिए, कि ताकि आपको पता चल सके, मैनेजमेंट को पता चल सके क्या सिखा रहे हैं और क्या हो रहा है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें एंड डेवलपमेंट करें, मतलब ट्रेनिंग भी करें और उस चीज़ की डेवलपमेंट भी कर लें लर्निंग की, ठीक है। एवलुएट ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग को एवलुएट करें कि क्या आपने सिखाया और लोगों ने क्या सीखा है। तो आज का ये लेक्चर था, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।